हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ रेज्यूम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से लिखना है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ कि सीवी किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आएगा, जहाँ पे मैंने नाम लिखा है। उसके बाद फ्रेशर के लिए हम सीवी बना रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन आ जाएगा। एजुकेशन सबसे पहले आएगा बिकॉज आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एजुकेशन आएगा, फिर यहाँ पे आपका स्कूल नेम, जो भी आपका लास्ट एजुकेशन है, अगर आपने डिग्री की है या फिर बैचलर किया है, तो यहाँ पे आप पूरा वो लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो भी HSC है या SSC है, वो आप यहाँ पे लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स ऐड नहीं करनी है, लाइक हमारा एड्रेस है, या फिर एड्रेस आपको डालना है तो डाल सकते हो। फिर आपको लगता है आपको फोटोज़ ऐड नहीं करना है, तो नहीं करोगे तो चलेगा। बट हाँ, मेक श्योर आपका जो भी CV है वो 1 पेज में ही होना चाहिए। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों को क्या होता है, बहुत सारे CVs फिल्टर करने बैठते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि CV पूरा 2-3 पेज का लिखा है और कोई आज भी इतना टाइम लेके पढ़े। इससे अच्छा वो 2-3 प्रोफाइल को गो थ्रू करे। तो आपका CV आई कैची और एडवर्टाइजमेंट जैसा होना चाहिए, कि एकदम क्रिस्प और प्रिसाइजली लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एजुकेशन लिख दे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा पॉइंट्स मिलता है और आपको चांस मिलता है कि आपने आपके जो भी एजुकेशन के ड्यूरेशन में आपने बैचलर किया है या फिर इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स आप एलोबरेट यहाँ कर सकते हो, उनके नेम लिख सकते हो, कितने से कितने ड्यूरेशन का आपका प्रोजेक्ट है। लाइक आपने कोई फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया है, या फिर आपने कुछ फ्रीलांसिंग वर्क किया है, या फिर आपने ट्यूशन क्लासेस किया है, या फिर आपने ब्लॉग राइटिंग की है, या फिर आप खुद की वेबसाइट मेंटेन कर रहे हो स्टडी के साथ साथ। ये पोर्शन से पता चलता है कि आप कितना कंसिस्टेंस हो आपके वर्क को लेके, एजुकेशन को लेके, और आपकी स्टेबिलिटी यहाँ से पता चलती है कि आप क्या कर सकते हो। तो जो CV आपका देख रहा है, जो भी हायरिंग मैनेजर है, उनके लिए ये डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है एड्रेस पोर्शन। यहाँ आप एड्रेस डाल सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपकी आ रही है स्किल। स्किल के अंदर आप लिख सकते हो आपको कंटेंट राइटिंग के लिए आपकी स्किल है, आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है आपका, फिर फोटोशॉप या कोई एनी ग्राफिकल टूल की एक्सपर्टीज़ है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए या फिर उसके रिलेटेड कुछ आपने बनाया है, तो वो स्किल आपकी ऐड कर सकते हो। इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, या फिर आपका कन्वर्जेशन काउंसलिंग स्किल अच्छी है, जो आपने कॉलेज टाइम में ये सारे स्किल के ऊपर काम किया है, तो आप यहाँ पे सारी स्किल में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन। अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन में ऐसा होता है कि आपने कॉलेज टाइम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आती है, तो आपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, राइटिंग कंपटीशन है, टाइपिंग कंपटीशन है, हैकेथॉन है, या फिर कोडिंग के, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपेंट जो जो किया है वो आप लिख सकते हो, किस तरह से किया है, आपने क्या परफॉर्म किया था, आपका क्या सर्टिफिकेशन है वो, न्यूज़लेटर में आपने क्या लिखा है, या फिर आपने क्या परफॉर्म किया है कॉलेज के इवेंट में, वो ऐड कर सकते हो। और अगर कोडिंग कॉम्पिटिशन वगैरह में आपने पार्टिसिपेंट किया, अगर IT इंडस्ट्री से हो या फिर IT एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, तो आप ये ऐड कर सकते हो। और आप अदर बैचलर के हो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के, तो आप उसी तरह के आपके जो भी सर्टिफिकेशन आपने किए हैं वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि यहाँ से आपका एक आपका जो लर्निंग एबिलिटी है, आप कौन कौन सी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यहाँ पे आपका शो होता है। और लास्ट में आपको लैंग्वेजेस लिखना ज़रूरी होता है कि आपको कितनी लैंग्वेज पता होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 या 3 लैंग्वेज लिख देते हैं, लाइक इंग्लिश कॉमन लिख देते हैं, फिर दूसरी उनकी जो भी मदर लैंग्वेज होती है वो लिख देते हैं, और उसके बाद थर्ड लैंग्वेज में कुछ भी लिख देते हैं। इससे अच्छा आप लैंग्वेज लिखने का मतलब ये होता है कि आपको कोई आपकी लैंग्वेज के अलावा कुछ और लैंग्वेज आती है तो आप ऐड कर सकते हो, ताकि वो आपकी रेज्यूम की सबसे अच्छी इम्प्रेशन बनाते। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच लैंग्वेज है या जर्मन लैंग्वेज है, राइट? तो वो लैंग्वेजेस आपके CV को थोड़ा बहुत फोकस पे रखती है हायरिंग मैनेजर को, ठीक है? तो पूरा 1 पेज में आपका CV मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरह से पूरा CV बनाना है। और CV बन जाए उसके बाद आप उसको प्रॉपर वे में 2 या 3 बार प्रूफ रीड करना, जो आपको मैंने बताया। तो इस तरह से हम पूरा CV लिखेंगे, और उसके बाद 2 या 3 बार रीड करने के बाद उसको हम कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए डालेंगे, ठीक है?
तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा रिज्यूम किस तरह से लिखना है वो सारा बता दिया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिज्यूम में बहुत सारे अलग अलग टाइप से लिखते हैं बेस्ड ऑन एजुकेशन बैकग्राउंड, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रिज्यूम के अंदर, आपको कोई फॉर्मेट चाहिए या कोई मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करिए, आईडी यहाँ पे मैंने बताया है, तो उसके ऊपर डीएम करिए, मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट करूँगी जो भी आपकी क्वेरीज है। तो ठीक है, तो मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।